पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पशु की आजू देयर। सर। हाँ तो बोलो ना, जल्दी से बोल ना, माइक ऑन करो। क्या स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है अपने को? क्या हाँ सर। होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। लिखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो वसु की, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का? थ्री तो 3d1 4s2, और उसमें से +3 गोले है, तो +3 गोला तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा मैं वहां से। यस, डी तो उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वन इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा। यस, फोर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। यस, एस टू तो वहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? बी। ओके, ओके टिल 15 तक कुछ डाउट किसी को? टिल 15, टिल 20 तक कुछ डाउट? टिल 25 तक कुछ डाउट? वेदांत अपना माइक ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 सर। हाँ, तो माइक ऑन करके ये चीज बताओ, कैटायन का रेडियस सबसे क्या होता है? बताया था ना, अगर जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी कम ना। ओके सर। हेलो वेदांत, सर सो सबसे इज ज्यादा सो रेडियस, अब इसका मतलब एफी सोडियम और सोडियम प्लस में से सोडियम प्लस की रेडियस कम होगी, क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में से क्लोरीन माइनस की रेडियस ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज तो रेडियस ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज तो रेडियस कम। सो स्मॉलर द एटॉमिक नंबर द लार्जर द रेडियस राइट ऑफ द आयन। मतलब इफ द एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर सल्फर हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस हियर इन द सेम लाइक पीरियड इट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस राइट। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? 19 सर 19। तो 19th में सल्फर और सल्फर H2- और क्लोरीन माइनस, इन सब का देखना यार स्ट्रक्चर, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस सर। ए और बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सल्फर पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी क्लोरीन माइनस से। यस, यस और सोडियम और F- में से किसकी रेडियस ज्यादा होगी? F- का रेडियस ज्यादा होगा। यस, यस बिकॉज़ नियॉन। नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन क्या? अब तेरे को क्या करना है, F- और H2- में कंपेयर करना है। F- मतलब नियॉन और H2- मतलब आर्गन, मोर बता किसका शेल्स ज्यादा ऑफ हो। सल्फर। तो इसका रहा सल्फर, दैट्स इट। ओके टिल 25 तक कुछ डाउट? दैट्स, अपना माइक ऑन करो। सर मैंने ग्रुप में 25th क्वेश्चन भेजा है जैसे मैंने किया सर। ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है आपके ऑर्डर से जो आपने क्लास में किया था। मैंने क्या किया था क्लास में? क्या सर मैंने आपने क्लास नंबर में, गैस लेके किया था, मैंने P/E रेशियो करके किया, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो बच्चे हर बार P/E से नहीं करना है ना। P/E तब लगाओगे जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तब तुम P/E रेशियो निकालोगे, अगर वो दोनों डिफरेंट ग्रुप से ही बिलोंग करेंगे तो P/E रेशियो थोड़ी करेंगे अपन। समझा सर सर जैसे कि अगर लिथियम का था? थ्री हेलो सर हाँ सर सर अगर लिथियम का हाँ थ्री सुना बाय टू है मैं। और बेरिलियम का 4/2 है तो 1.5 एंड 2 आता है, तो हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना दोनों को वैसे। हाँ, वो अगर एक ही वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो लिथियम और बेरिलियम 2+ को कंपेयर कर सकता है। तो यस, और अगर बी बी बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ है तो फिर 2 एंड 1.2 को भी तो कंपेयर कर सकते हैं। बच्चे बेरिलियम 2+ मतलब हीलियम ना, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है। P/E रेशियो किसके लिए करेगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए करेगा। बेरिलियम 2+ मतलब हीलियम, मैग्नीशियम 2+ मतलब नियॉन, तो डेफिनेटली नियॉन का रेडियस ज्यादा होगा ना हीलियम से। दक्ष, P/E रेशियो लगाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, समझा? यस सर। सर मुझे बेरिलियम वो टू नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन लेने में इशू आ रहा है। बेरिलियम टू प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास?
टू और मैग्नीशियम के पास 10. तो मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ वो नियॉन होगा? यस सर. सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि आपने बोला था कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक नियॉन सर, बट मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स आर नॉट लाइक नियॉन. नो सो देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिफरेंट, इट वोंट बी लाइक नियॉन. बट इफेक्टिव नंबर से मैं कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ ना. अगर हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? बेरिलियम 2+ में नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे बच्चे? टू. टू कहाँ से होगा? एक ही होगा ना सर. वन सेल. सॉरी सॉरी, वन एस टू. यस सर सॉरी. और मैग्नीशियम 2+ में वन एस टू. दो सेल. दो सेल. अब सेल किसके ज्यादा है तो रेडियस किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम हैज मोर सेल्स. दैट्स इट. सो मैग्नीशियम हैज मोर रेडियस. अच्छा ओके सर. सो वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन आल्सो कंपेयर. देखो अगर वैसे नहीं समझ में आता कि नियॉन जैसा कैसे हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले. अगर तेरे को समझ में आता है कि अच्छा बेरिलियम 2+ मतलब हीलियम, मैग्नीशियम 2+ मतलब नियॉन, नियॉन का रेडियस ज्यादा बेरिलियम से, दैट्स इट. ठीक है ओके सर. Now till 30. Till 30. Till 35. Siddhant, कुछ doubt है क्या? तुमने raise hand raise करके रखा है. Yes sir. बोलो सर. एंड 25th वन थर्ड पॉइंट इज ऑफ पेनिट्रेशन पावर, राइट? 35th 25th पेनिट्रेशन पावर क्या करेंगे? नो सर, बच्चे अगर 26. हाँ ओके सर. हाँ पेनिट्रेशन पावर बोल सकता है तो. यस पेनिट्रेशन पावर मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? सी. P में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज मोर इजियर एज कम्पेयर टू S में से रिमूव करना. यस यस. हाँ बच्चे बट ऑप्शन में नहीं है ना कि मैग्नीशियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तुमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है ना. स्टिल 35 कुछ डाउट? Till 35. Okay. Till 40, कुछ doubt? question. बच्चे ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0. Yes sir. और ऑक्सीजन सल्फर में से थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट में से. सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से. यस यस. और नाइट्रोजन का 0 है तो आंसर क्या आएगा? सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन. अच्छा ओके सर. देन नेक्स्ट टिल 46 तक कुछ डाउट? 44th. बताया था ना ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे फॉर्मेशन ऑफ O2- फ्रॉम O-. फॉर्मेशन ऑफ O2- फ्रॉम O-, वो क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस. यस यस. दैट्स इट. इसने पूछा नेगेटिव, राइट? बिकॉज़ एनर्जी इज टेकन. अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बोल दिया. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा ना, पॉजिटिव कहां से? हां इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलना चाहिए था. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में पॉजिटिव होगा तो वी विल से. अच्छा इसने एक मिनट रुको, इसने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना. यस दैट शुड बी इन सी, राइट? एक मिनट. फॉर्मेशन ऑफ O+ वो तो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ O+ फ्रॉम O वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन है ही नहीं.
ओ प्लस में से, ओ प्लस बनाने के लिए ओ में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तो एफिनिटी हुआ ही नहीं। इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बोला है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। यस यस या मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा, हेलो, जिसका डाउट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवाऊंगा तो ओ माइनस बनेगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 नेगेटिव होगा, यस और नो? यस। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 3 4 ये सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, यस। यस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब पॉजिटिव होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। ओके सर, आंसर 45 अभी तो ऊपर बताया ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, सर, सेलेनियम सबसे ज्यादा सल्फर, व्हाई सेलेनियम लेस देन ऑक्सीजन? कल अटेंड किया था तुमने? सॉरी, वॉइस इज क्रैकिंग। कल का लेक्चर अटेंड किया था तूने? यस। देखो, तुमको दिख रहा है स्क्रीन? यस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में, यस, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम होता है, यस। देन व्हाई सेलेनियम लेस देन ऑक्सीजन? नाउ माय वॉइस इज फाइन? यस। अरे बताया ना बच्चे, वैल्यूज के बेसिस पे, वैल्यूज के बे, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, उसका थर्ड पीरियड से भी कम होना चाहिए था, थर्ड पीरियड एलिमेंट से सेकंड पीरियड एलिमेंट का कम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, बिकॉज वी नो द वैल्यूज, वैल्यू के बेसिस पे कमेंट कर सकते हो तुम, बस। तो बी इज करेक्ट, राइट? हाँ, बी इज करेक्ट, यस। ओके, आई थॉट फॉर सम रीजन ए वाज करेक्ट। नो, ए नहीं, बी इज करेक्ट। वॉट अबाउट द नेक्स्ट, टिल 46 तक किसी कुछ डाउट? फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों सेक्शन स्किप कर सकते हो, फाउंडेशन, फिर क्या है, क्या गेट इक्विप जेई मेंस भी डाउट डिस्कस करना है, किया है तो बताओ, ये सिद्धांत बोलो सर। इन 41th क्वेश्चन, यस बच्चे बोलो। सर, कैन यू कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी इन सब का? यस सर। हाँ, यू कैन कंपेयर। ओके सर। क्रिएटिव क्यूब जेई मेंस किया है क्या तुम लोगों ने? क्रिएटिव क्यूब जेई मेंस, तो क्या डाउट है पूछो, जिसने भी किया है डाउट्स बताओ। बच्चे, अगर ए के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो किसका डाउट था? एक मिनट, सिद्धांत अपना माइक ऑन करोगे? यस सर। सिद्धांत, अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए के पास कितने हैं? 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं तो उसका वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ये पता है तुझे? यस सर। अगर 4 से ज्यादा हो किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पता है? यस नो? कैन यू रिपीट? अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, अगर किसी के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ओके सर। तो अगर मैं बी की वैलेंसी की बात करूं तो बी का वैलेंसी कितना होगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितना होगा? 8 माइनस 6 करूंगा तो 2 वैलेंसी आएगा, यस? यस सर। अब बी का वैलेंसी है 2, ए का वैलेंसी है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्या फॉर्मूला बनेगा? ए टू बी 3, दैट्स इट, डन। 8-1, मैक्सिमम वैलेंसी किस में होगा? क्या आंसर देके रखा है इन्होंने?
आंसर क्या देके रखा है इन्होंने, क्या ऑप्शन ए देके, विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मैक्सिमम वैलेंसी। देखो बच्चे एक वैलेंसी इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बिकॉज जो फॉर्मूला मैंने तुमको अभी बताया ना उसके अकॉर्डिंग हैलोजन का वैलेंसी, हैलोजन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, 1, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट हाइड्रोजन जो है वो 7 बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, ये अपन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ये वाली चीज किसमें सीखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। तो राइट नाउ यू कैन स्किप इट। चलो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, यस वेदांत, Cl2O7 once, यस वहां पे हैलोजन का वैलेंसी 7 हो सकता है, यस। मैक्सिमम स्टेबिलिटी राइट नाउ यू कैन स्किप इट, 7th क्वेश्चन स्किप करो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। टिल 10 तक और कुछ डाउट, टिल 20 तक कुछ डाउट, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछू, हाँ एक और चीज वैलेंसी से याद आया, अगर कौन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन तीनों में से वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, वेरी गुड, ध्यान रखना है ठीक है, जो भी एस और पी ब्लॉक वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्लियर। एक्सपेरिमेंटली नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इसका रीजन भी है क्योंकि वहां पे डी इलेक्ट्रॉन जो है इजीली, मतलब Fe जो है तुमने देखा होगा Fe के कंपाउंड प्लस 2 में भी एग्जिस्ट करते हैं और प्लस 3 में भी एग्जिस्ट करते हैं, यस दक्ष, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इसका रीजन भी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखेंगे अप्लीकेशन के अंदर, तो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस अपन अभी तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज की एप्लीकेशंस, 7 एप्लीकेशंस है, इट विल टेक आराम से 1 to 2 लेक्चर उसकी एप्लीकेशन को कवर करने के लिए। अगर थोड़ा स्लो करेंगे तो 2 लेक्चर में होगा, अगर थोड़ा फास्ट करेंगे तो 1 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। चलो नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन, टिल 30 तक कुछ डाउट, 30 नहीं पढ़ाया अभी तक, 27th भी नहीं पढ़ाया है, उसके अलावा और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। हेलो सर। या सर मुझे थोड़े कॉन्सेप्चुअल डाउट्स थे, मैं पूछ सकता हूँ? पहले बुकलेट खत्म कर ले जितने भी होता है अपना, ठीक है? ओके सर, ओके। टिल 30 तक और किसी को डाउट, जिसको भी डाउट है अपना माइक ऑन करो यार, डायरेक्ट, दैट्स इट। ओके टिल 30 और कुछ डाउट है मेंस में, टिल 49 तक ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो डाउट है, 29th, ओके बच्चे क्लास में करवाया तो है, अगर 7th पीरियड के अंदर, 7th पीरियड के अंदर लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, जो 7th पीरियड लास्ट जो एटॉमिक नंबर क्या है 7th पीरियड का, सिद्धांत आर यू देयर? सो वी कैन चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, चेक नहीं करना है उसके बिना भी कर सकते हो, 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे, एटॉमिक नंबर क्या है लास्ट एलिमेंट का, सिद्धांत कहाँ है? 118 तो जो 119 होगा वो एल्कली मेटल होगा, यस और नो? यस सर। और 120 क्या होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। और वो 8th पीरियड में होगा, यस और नो? यस सर। तो आंसर भी आ जाएगा यस। यस और बताओ कुछ डाउट है, 31 से 40, 29 किया ना अभी अपन ने, हाइपोथेटिकल केसेस करवाए तो थे, हाँ लॉजिक से भी कर सकते हो वेदांत, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ डाउट है टिल 40 तक? अच्छे सिद्धांत तुमको कुछ डाउट है तो अपना डायरेक्ट माइक ऑन करो यार, मतलब बार बार हैंड रेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 41 फाउंडेशन बिल्डर था, मैं लॉग आउट हो गया था। अच्छा एक बार वेट,
एक बार वेट करो, बाद में पूछना जब तक ये सब मैं पूरा ये फिनिश कर लो उसके बाद, ठीक है? हाँ, टिल 49 तक कुछ डाउट? ओके, बुकलेट में और कुछ डाउट है तुमको जो भी तुमने सेक्शन किया है? ओके राहुल, आर यू देयर? नहीं सर, मैं समझ गया। 41 समझा तुझे? हाँ। क्योंकि बाकी सब में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा, पर सोडियम पे जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते। ओके हाँ, तो ये बुकलेट के डाउट डिस्कशन तो हो गए। अब दक्ष, तुमको क्या थ्योरी में डाउट है बोलो, जिसको भी थियोरेटिकल डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज जिसको भी डाउट्स नहीं है यू कैन लीव एंड एग्जाम का प्रिपरेशन करो। सर सर, हाउ आर डीएनएफ पुअर शील्डर्स इफ दे आर एबल टू शील्ड बाय फैक्टर ऑफ 0.85? 0.85 से कब शील्ड किया उन्होंने? सर जैसे अगर हम आयरन में देते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन शील्ड्स बाय 0.85। अच्छा, बट इनर वाला है ना, इनर वाला है इसलिए 0.85 से शील्ड कर रहा है। अगर उसी शेल में होता तो उसकी पुअर शील्डिंग होती ना बच्चे। अगर कोई भी एक शेल में, मैंने शील्डिंग का ऐसा थोड़ी कंपेयर करवाया, मैंने क्या बोला है, अगर लेट से शेल नंबर 3 में, लेट से शेल नंबर 4 है, तो शेल नंबर 4 में 4s 4p 4d और 4f अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा तो 4s जो है वो ज्यादा शील्ड करेगा एज कम्पेयर टू 4p एज कम्पेयर टू 4d एज कम्पेयर टू 4f। ये समझ में आया तुझे दक्ष? यस सर, पेनिट्रेशन पावर। अब एक और चीज सुन, बट जो स्लेटर्स ने जो कैलकुलेशन यूज किया है उसमें क्या करता है, अगर तू इनर सेल वाला है तो एस डी और एफ का अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेता है, इवन एस और पी का भी सेम मान लेता है, पर अगर एग्जाम में पूछा तेरे को कि 4s 4p में से अगर कैलकुलेशन कर रहा है स्लेटर्स रूल से तो वैल्यू तू हमेशा कितना लेता है, 0.85 है, जो भी 1 जो भी देता है। पर अगर अपने को पता है कि जो शील्डिंग होगी वो 4s स्लाइटली ज्यादा शील्ड करेगा एज कंपेयर टू 4p। क्लियर तुझे ये वाला पॉइंट? सर तो हम स्लेटर्स रूल का बहुत सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है ना। यस इसीलिए स्लेटर्स रूल, हर कुछ लोग ये करते हैं कि सारे एलिमेंट का जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं उस स्लेटर्स रूल से, नहीं वो गलत वे है। स्लेटर्स रूल से मैंने तुमको उतने ही एलिमेंट बताए हैं सो दैट तुमको एक बेसिक ट्रेंड पता चल जाए, और कुछ भी नहीं। अच्छा सर, बट इन AL एंड गैलियम उसमें आपने बोला ना 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 3D सबशेल एंड 3D सबशेल इज पुअर शील्डर्स, दैट पे आई वाज आस्किंग कि वहां पे तो 0.85 ही शील्ड कर रहा है। बच्चे एक चीज लॉजिकली सोच, अगर एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहा है, अगर वो इनर सेल में, अगर वो डी में नहीं भरता, अगर वो एस में भरता है पी में भरता, उसके कंपैरिजन में अगर मैं डी देखूं तो वो पुअर शील्डर है, समझा? यस सर। अगर तू एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहा है तो ऑफिशियली तो क्या करना चाहिए, अगर तू एस बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहा है तो तू एस और पी में ही भर रहा है, पर जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहा है एस और पी में नहीं भर के तू डी में भर रहा है। अगर तू एस और पी में भरता तो उसका क्या होता, उसके जेड इफेक्टिव कॉन्स्टेंट आता, बट तू इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहा है, डी में फिलअप कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उससे अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा कि पुअर शील्डर से, समझा? अच्छा ओके सर, तो बेसिकली जो स्लेटर्स रूल है वो सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे से दिमाग भी लगाने की जरूरत। हाँ यस यस ओके तो ओके सर, एंड मुझे वो नहीं समझा कि Fe कोबाल्ट और निकल का रेडियस कांस्टेंट क्यों है। बच्चे वो इफेक्ट एक पॉइंट के बाद, अब जैसे कि कोई चीज जो है वो 0.5 से कंटीन्यूअसली बढ़ रही है, यस यस, अगर 0.5 से कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है तो एक पॉइंट का इतना कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा। यस सर, बट तो वो तो पहले भी हो रहा था, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम उन सब में भी 0.15 से बढ़ रहा था, बट एंड द रेडियस वाज डिक्रीजिंग। बच्चे ऐसा मान के तू क्या कर रहा है, तू कंटीन्यूअसली है ना, तू एक भाग रहा है, एक बार तूने क्या किया, तू 20 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और तूने जल्दी से भागना स्टार्ट कर दिया, कौन सी स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो चेंज तेरे को दिखेगा ना। यस सर, बिटवीन 30 से तूने 1 किलोमीटर बढ़ाया, 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो लेट्स अज्यूम देखो चेंजेस दिखेंगे, बट एक पॉइंट के बाद वो चेंजेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगे ना, ऐसा बोल सकता हूँ? यस नो
सर समझा नहीं ऐसे। मैं बोल रहा हूँ अगर बहुत स्लाइटली बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं तब तो तेरे को वो दिखेगा, यस और नो? यस सर यस। लाइक 0.5 से बट यस 0.5 से बढ़ने का मतलब वो कोई मेजर इफेक्ट है ही नहीं। वो क्या है, कोई मेजर इफेक्ट कर ही नहीं रहा। तो एक पॉइंट के बाद क्या आता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही आता है। मैं वो चीज बता रहा हूँ सर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफी कोबाल्ट और निकल में उनका जो सर एन शेल भी तो बढ़ता नहीं ना फिर, वो ही नंबर ऑफ सेल्स भी तो वो भी नहीं बढ़ रहा और जेड इफेक्टिव भी कांस्टेंट ही है मोर और लेस। 0.15 इज नॉट ए मेजर इफेक्ट बच्चे सर। बट फिर तो वो स्कैंडियम टाइटेनियम उनमें भी तो मेजर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ तो उसमें भी रेडियस अगर तू देखेगा ना पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के कंपैरिजन तो रेडियस में जो डिक्रीमेंट होता है वो बहुत कम होता है, पी में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट होता है। पी में अगर 0.065 से बढ़ेगा तो तेरे को वो चीज दिखेगी, पर 0.15 से बढ़ेगा तो तेरे को कुछ स्लाइटली चेंजेस ही दिखेंगे, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा उसका। टाइटेनियम वैनेडियम में आपने बोला डिक्रीज हो रहा है और फिर आपने बोला आयरन कोबाल्ट और निकल में कांस्टेंट है सर, व्हाई इज इट नॉट कांस्टेंट स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, क्योंकि उसमें भी 0.15 से हो रहा है और एन भी बढ़ नहीं रहा है। बच्चे मैं वही चीज बता रहा हूँ तेरे को, सबसे बेस्ट तो क्या है मतलब अगर तेको वैसे समझ में नहीं आता तो देख चेंजेस तो होने चाहिए थे एफी कोबाल्ट और निकल में भी। यस यस नो यस सर यस। तो मैं तेरे को एक चीज ऐसे कैसे समझा सकता हूँ, रुक हाँ तू ऐसे समझ। अगर सपोज तेरे पास लेट से तू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है? हाँ ओके सर यस सर। और तूने क्या किया 10 मीटर पर सेकंड, तूने अब तू 30 से भाग रहा है, फिर तू 40 से भाग रहा है, फिर तू 60 से भाग रहा है, 70, 80, तो तेरे को 10-10 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर तू 20 के रेस्पेक्ट में देखेगा तो अभी तो 70 की स्पीड से भाग रहा है तो तेरे को सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे। यस यस नो यस सर यस। बट अब तू क्या कर रहा है, अब जो चेंजेस है ना, अब तू क्या कर रहा है, तू 20 से भाग रहा था अब तूने 21 से भागना स्टार्ट किया, 22, 23, 25, 26, 27, तो तेरे को ये समझ में आता है कि एक पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखेंगे तेरे को? यस नो सर। बट इंक्रीज रेट तो सेम है ना तो सर, इंक्रीज रेट सेम है बट ऐसा है कि अगर मैं सिग्निफिकेंट चेंजेस की बात कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं दिखेंगे ना तुझे सर। लेकिन वो तो पहले भी तो हो रहा था ना, सेम ही रेट बढ़ रहा था, सेम ही चेंजेस हो रहे थे, इसमें भी सेम ही चेंजेस हो रहे। चेंजेस सेम हो रहे, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ बच्चे, क्या वो भी छोड़। सबसे बेस्ट क्या है, चेंजेस होने चाहिए थे अगर तेरे को वैसे नहीं समझ में आता है, ऐसा मान ले कि चेंजेस तो होने चाहिए थे यस, बट उनका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सेम आ रहा है तो तू ऐसे याद रख सकता है। अच्छा ओके ओके। तो फिर मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम में उनमें से चेंजेस हो रहे हैं एंड रेडियस डिक्रीज, क्योंकि मैंने गूगल पे ग्राफ देखा था तो उनमें स्कैंडियम टाइटेनियम में बहुत स्टीप है और फिर एफी कोबाल्ट निकल में थोड़ा सा फ्लैट टाइप हो जाता है, मोस्टली फ्लैट, इसलिए मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया क्योंकि उससे और कंफ्यूजन होता, ठीक है? अच्छा तो फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एफी कोबाल्ट निकल में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर नियरली द सेम। या ओके सर। सर लेकिन व्हाट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हियर देन, जेड इफेक्टिव को जिसको ओवरपावर कर रहे हैं? अरे बच्चे रेडियस ही सेम है तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? नहीं जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने के लिए कुछ तो फैक्टर होगा ना जो उन दोनों उन सबको। बच्चे रेडियस कांस्टेंट ही है तो फैक्टर कहां से कोई डोमिनेट करेगा? अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते तो रेडियस बढ़ता, अगर जेड इफेक्टिव भी अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ता तो रेडियस डिक्रीज होता ना। यहाँ पे अगर कांस्टेंट ही है तो फैक्टर की बात ही नहीं करूंगा ना, डोमिनेट कौन सा करेगा, कोई नहीं करेगा, समझा दक्ष? सर नो सर। अगर तेरा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता, ठीक है, अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता, जेड इफेक्टिव एफी कोबाल्ट निकल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता तो रेडियस का क्या होता? डिक्रीज। इसका मतलब जेड इफेक्टिव अगर डोमिनेट करता तो रेडियस डिक्रीज होता, बट क्या रेडियस डिक्रीज हो रहा है क्या? सर वेरी लेस। हो ही नहीं रहा ना, कॉन्स्टेंट बोल तो रहा हूँ। यस
मुझे वही सो कंफ्यूजन हो रहा है सर, 0.15 से इंक्रीज हो रहा है, बट देन व्हाई आर यू सेइंग दैट द रेडियस विल बी कांस्टेंट, वही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं दक्ष वही तेरे को बोल रहा हूं, तू ऐसा याद रख ले उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कांस्टेंट आती है सबसे बेस्ट। अच्छा ओके ओके सर। एंड हमने देखा ना सीयू और ZN में रेडियस बढ़ता है सर, व्हाई डज ZN हैव मोर रेडियस देन CU? ZN का Z इफेक्टिव इज मोर ना बच्चे, वहां पे और ज्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस सर, कैसे सर, 3D10 दोनों में है बट 4S1 4S2 है ना, 4S1 4S2 है ना बच्चे? यस सर। कौन ज्यादा सिमेट्रिकल, 4S1 या 4S2? 4S2 तो फिर ज्यादा शील्डिंग होगा। यस अच्छा ओके सर। अच्छा सर बट बस 4S कम्स आफ्टर 3D नो, इट इज अ बिगर शेल। वो तो 4S उसमें भी तो है, वो तो कॉपर में भी तो बिगर शेल है। शेल नंबर थोड़ी चेंज हो रहा है 4S1 बट तो 3D हम बच्चे जब कॉपर से जिंक में जा रहे तो शेल नंबर थोड़ी चेंज हो रहा है तेरा, शेल नंबर तो वही है ना। यस सर यस। तो शेल नंबर डोमिनेटिंग फैक्टर थोड़ी होगा, जेड इफेक्टिव से देखें सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज 3D दोनों में अंदर वाला शेल 3D10 है और बाहर वाला शेल 4S है, अब कॉपर में 4S1 है, जिंक में 3D10 एंड 4S2 है, तो 4S2 में तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो फिर शील्डिंग ज्यादा होगा ना एंड जेड इफेक्टिव। बच्चे शील्डिंग बट जेड इफेक्टिव देखेंगे ना अपन, शील्डिंग ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव देखना, जेड भी तो बढ़ रहा है तेरा। हाँ तो जेड इफेक्टिव कॉपर से ज्यादा आ रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था सर। मैंने इसीलिए तेरे को क्या बोला है, स्लेटर सूल से तू अगर जेड इफेक्टिव से सारी चीजें कैलकुलेट करेगा तेरे आंसर गलत आएंगे, बोला है ना मैंने तेरे को वो चीज। तू हर बार ऐसे कमेंट नहीं कर सकता जेड इफेक्टिव से, तो वही तो गलती कर रहा है। स्लेटर रूल भी एक्यूरेट नहीं है, उसमें बहुत सारे मैंने अजम्पशंस लेके रखे हैं। मैं एस और पी का सेम शील्डिंग मान रहा हूँ बट ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ओके सर। तो फिर सर जब मैं दूसरे बैच में था ना, तो एक बार सर ने बोला था कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए ना जेड इफेक्टिव सॉरी शील्डिंग विल बी डिफरेंट, लाइक एस एन पी के लिए अलग होगा और स्पिन और वो सब पे भी डिपेंड करता है। यस बच्चे हम लेकिन हम वो सब पढ़ते नहीं लेकिन अभी। यस वही मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो एक बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे कैलकुलेट किया, बहुत सारे अजम्पशंस लिए हैं बट अपना जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं है, पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वही चीज बताई है जिससे तुमको वो जो अपने काम में आए बस। अगर तू सारे एलिमेंट का जेड इफेक्ट निकाल के कंपेयर करने जाएगा तेरे को बहुत बेकार से रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा ओके सर। तो इसका फिर रीजन क्या होगा, ZN इज ग्रेटर देन CU? हाँ बोल सर। तो हम ऐसे बोल सकते कि अगर हम वो हाई एडवांस वाला मतलब दूसरा वाला जेड इफेक्ट मतलब स्लेटर्स रूल दूसरा यूज करेंगे तो जिंक का जेड इफेक्टिव कम आएगा कॉपर से। तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से जेड इफेक्टिव जिंक का कम आएगा एंड दैट इज व्हाई द साइज इज बिगर। यस ओके सर। सर एंड जब हम आयोनिक रेडियस निकालते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाइंडिंग पी बाय ई रेशियो, व्हाई वी डोंट फाइंड ई बाय पी? कर ले अगर ई बाय पी बाय ई रेशियो से ज्यादा उसका आता ना, उल्टा कैसे आता फिर, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर उल्टा आता ना। हां सर आई एम एंड दैट ओनली उल्टा आएगा जेड इफेक्टिव उल्टा तो पी बाय ई रेशियो पी बाई रेशियो का मतलब अगर 13/13 और 13/12 है। यस यस सर। ऐसे सो 13/13 को अट्रैक्ट कर रहा है और 13/12 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? 13/12 को सर। हाँ तो अगर उसका उल्टा भी बोलेगा, अगर तू ई बाई पी रेशियो निकालेगा तब भी बोलेगा तो यही ना, 13/13 को अट्रैक्ट कर रहा है 13/12 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन उस वाले केस में किसमें ज्यादा होगा, 12/13 में ज्यादा होगा। अच्छा तो हम ई बाई पी रेशियो बेसिकली इजी करने के लिए कर देते ताकि जेड इफेक्टिव का ऑर्डर मिल जाए, नहीं तो लॉजिक वही है कि अट्रैक्शन कितना होगा। हां ओके सर। सर और एटॉमिक रेडियस आपने बोला था नोबल गैसेस का इंक्रीज हो जाता है ना मतलब देन द हैलोजेंस, तो फिर एक बार मैंने बोला था कि क्योंकि ये भी एक रीजन हो सकता है ना कि शील्डिंग इफेक्टिव इंक्रीजेस इन नोबल गैसेस,
सर तो वो वर्क कैसे करता है वो आप बोल सकता है, वो भी बोल सकता है तुम सर, लेकिन वो वर्क कैसे करेगा? मतलब शील्डिंग ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। नहीं सर मैंने कैलकुलेट किया लेकिन आया नहीं। बच्चे मैं तेरे को क्या समझा रहा हूँ इतने देर से, तू स्लेटर्स रूल से सारे कैलकुलेशंस मत कर, वो एक इजियर वे है जेड इफेक्टिव निकालने का, हमेशा तेरे को सारे आंसर उससे नहीं मिलेंगे। अच्छा ओके सर, क्योंकि हमने टेंथ में मैम ने हमको बोला था कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब वही शील्डिंग इफेक्ट वही सब ही होता है बहुत कुछ चीजें होती है, स्लेटर्स रूल भी गलत ही है, मतलब सही थोड़ी है वो। अच्छा तो बेसिकली ऐसे रिमेंबर कर सकते कि चीजें होती है लेकिन सब कुछ हम अभी फाइंड नहीं कर सकते। हाँ ऐसा नहीं कि चीजें होती नहीं, इसका करेक्ट ऑर्डर भी तुम सीखोगे बट उसका वो अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपने को पोजीशन के साथ स्पिन देखना पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बहुत सारी चीजें रहती है यार। अगर वो सारे कंसिडर करने जाएगा तब तेरे को एग्जैक्ट ऑर्डर मिलेगा। ओके सर, ओके सर, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनका एनायंस के ऑर्डर को कैसे निकालेंगे? फ्लोरीन माइनस मतलब तो हर बार उसी डाउट में पूछ, जो तेरे को डाउट है वो उसी में सर्कुलेट हो रहा है। तो फ्लोरीन माइनस मतलब नियॉन, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूं उसमें। फ्लोरीन माइनस मतलब नियॉन सर? नहीं सर मुझे वो नोबल गैसेस वाला समझ नहीं आ रहा, तो फिर सर आपने बोला कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर लूं, तो बच्चे कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो नोबल गैस का ही लिखेगा ना यार, फ्लोरीन माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिख। नो इट विल कम लाइक नियॉन, वही तो बोल रहा हूं सर। लेकिन फिर सर प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, जेड इफेक्टिव अलग होगा, फिर साइज में। मैंने ये थोड़ी बोला है तेरे को, फिर से साइज में बोल रहा है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पी बाई ई रेशियो देखेगा, क्या एफ माइनस और सी एल माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं देख सकते तो पी बाई ई रेशियो नहीं देखूंगा ना यार, तो प्रोटोन से देखूंगा ही नहीं मैं, फिर मैं क्या देखूंगा? एक नियॉन है, एक आर्गन है, एक। तुम चीजें ध्यान रखो, सबसे पहले तो सारे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना करो बंद, जितना ऑर्डर बताए उसको फॉलो करो फर्स्ट थिंग। अगर सारे जेड इफेक्टिव निकालोगे तो क्वेश्चंस गलत होंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पी बाई ई रेशियो देखेंगे, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अगर दो डिफरेंट सेल से ही डिपेंड कर रहे हैं, तुम लॉजिकली सोच सकते हो, एक एफ है एक, तुम माइनस चार्ज भी भूलो, एक एफ है एक सी एल है एक बी आर है और एक आई है, तो सेल नंबर बढ़ेगा ना फ्लोरीन से अगर आयोडीन की तरफ जाओगे। यस सर, सेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ेगा यार ऑब्वियसली। सर लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन पे कितना लाइक चार्ज हो रहा है और फिर कितना क्या डोमिनेट कर रहा है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है या एन नंबर डोमिनेट? टॉप टॉप टू बॉटम अगर तू जाता है टॉप टू बॉटम तो क्या जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है क्या? कांस्टेंट सर, कांस्टेंट। तो फिर अच्छा ओके सर, फिर अगर सर लेकिन अगर टॉप टू बॉटम नहीं होगा, सपोज हम जो 25th क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बी टू प्लस एंड एम जी टू प्लस बोथ आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन हाउ विल वी डू? अरे बच्चे तो बेरिलियम और टॉप टू बॉटम ही तो है, बेरिलियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस एक ही तो ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं आप, बेरिलियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे ना, तो नंबर ऑफ सेल्स मैग्नीशियम में ज्यादा होंगे तो रेडियस ज्यादा होगा। अच्छा ओके सर, ओके ओके। मैं तेरे को एक चीज सजेस्ट करूं, सुन दक्ष, तो पहले तो यार जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना बंद कर, और घर पे अगर जब भी जाए ना नोट्स पढ़, रेडियस वाला सेक्शन पूरा पढ़, जो चीजें लिखी है उसको समझने का ट्राई कर कि सर ने ये चीज क्यों लिखी है। अगर तू अपने मेथड लगाएगा उस चीजों में तो तू गलत करके आएगा एग्जाम। पहले रेडियस पढ़, देन 2-3 घंटे कुछ और पढ़, फिर आयनाइजेशन एनर्जी पढ़, फिर से 2-3 घंटे कुछ और पढ़, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़, अदरवाइज तुम पूरा कंफ्यूज होता रहेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। समझा दक्ष? यस सर। तू कंफ्यूज ही हो, तेरे को समझ में नहीं, तेरे को वे ही समझ में नहीं आ रहा, जहां पे तेरे को शेल नंबर देखने है वहां पे तू पी बाई ई रेशियो देख रहा है, जहां पे पी बाई ई रेशियो देखना है वहां पे तू शेल नंबर देख रहा है, तो वो चीजें ध्यान रख। ओके
ओके सर, ओके सर। और डाउट सर, और फिर अगर अगर हम सपोज और फिर Mg2+, K+, and Al3+ था, तो Mg2+ and Al3+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो Al3+ का मतलब कम होगा, इफेक्टिव ज्यादा आएगा। हाँ तो फिर तो वो कम आएगा। हाँ सर, फिर उसके बाद Mg2+ and K+ में कैसे ढूंढेंगे, दे आर नॉट इन द सेम ग्रुप ना। इसीलिए मैंने तेरे को बोला था, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसका एक रीजन है। अगर Mg2+ कर Mg2+ दो इलेक्ट्रॉन हटा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे Mg2+ में? नियॉन। नियॉन और K+ में से हटा, K+ में से आर्गन। आर्गन तो बता किसका रिलीज ज्यादा होगा। आर्गन में ज्यादा शेल होता है। हाँ तो फिर K+ दैट्स इट। अच्छा K+ तो सर... को मैं एक चीज ध्यान रख, K+ को मैं ऐसा नहीं बोला कि K+ तेरा आर्गन है, ये मैंने कहीं पर नहीं बोला है तुझे। मैंने yes, ये चीज yes, कहीं sir, पर भी नहीं बोला कि हाँ ये नहीं बोला। क्या हाँ। बोला, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा हो जाएगा। तो एक का अगर कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है और एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर्गन है, तो डेफिनेटली आर्गन में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, सेल्स ज्यादा होंगे तो रेडियस भी ज्यादा होगा। यस अच्छा सर, अगर लेकिन अगर हम वो ये मुझे समझा जो आपने बोला, अगर हम लॉजिकली भी देखेंगे तो Mg और K इज जस्ट बिलो Mg ना, बट लाइक इन द फर्स्ट ग्रुप दैट वेज, तो फिर Z इफेक्टिव थोड़ा सा ही बड़ा होगा जितना भी होगा। बच्चे फिर से वही चीज, उल्टी चीज, जहाँ पे शेल नंबर की बात है वहां पे Z इफेक्टिव में जा रहा है। बच्चे अगर एक ही पीरियड से बिलोंग कर, एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो Z इफेक्टिव नहीं है डोमिनेटिंग फैक्टर। नहीं सर, Mg और K+ are not, K are not in the same group, no? Logically is in the first group. बच्चे logically Mg में से दो इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो अब वो नियॉन जैसा होगा और दूसरा आर्गन जैसा होगा, तो एक पीरियड में एक ग्रुप में बोल सकता हूँ मैं सर? नहीं, Mg और K+ सेम ग्रुप में नहीं है, तो हमको अब कैसे पता चलेगा कि Z इफेक्टिव डोमिनेट कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि डाउन अ ग्रुप ही कॉन्स्टेंट होता बच्चे है। तू जो चीज बोला उसको सुन भी रहा है। मैं बोला Mg2+ कितने इलेक्ट्रॉन, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। K+ कितने इलेक्ट्रॉन, आर्गन। तो क्या नियॉन और आर्गन तो एक ग्रुप से बिलोंग, एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे ना? यस सर, यस। हाँ तो क्या देखेगा, जेड इफेक्टिव देखूंगा या फिर नंबर ऑफ सेल्स देखूंगा? सर नंबर ऑफ सेल्स। तो देख तो आर्गन का ज्यादा आएगा, वही तो बोल रहे हो सर। नहीं, आई अंडरस्टूड दिस सर, बट आई एम सेइंग K+ और Mg+ में प्रोटॉन्स आर नॉट सेम। आपने बोला था जब सेम पीरियड में है तो जेड इफेक्टिव अलग मतलब कांस्टेंट आएगा। हम डायरेक्टली शेल नंबर नंबर ऑफ सेल देख के हम कमेंट कर सकते कि रेडियस बड़ा है या छोटा, लेकिन Mg+ एंड K आर नॉट इन द सेम ग्रुप ना, तो हमको जेड इफेक्टिव के बारे में नहीं पता ना, हमको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पता है। तो क्या चाहता है, मतलब क्या निकालूं मैं? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉन्स दोनों का अलग अलग है, हमको पता है कि उसमें शेल K+ का शेल ज्यादा आएगी ना, नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग है, तो हाउ डू वी नो दैट यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा? तो अरे यार, तो तू क्या चाहता है, मैं दोनों का जेड इफेक्टिव निकालूं? तेरे को ये समझ में आता है Mg+2 में, चल नियॉन भी छोड़, क्या तुझे ये समझ में आता है Mg2+ में दो शेल होंगे? यस सर। और थर्ड वाले में तीन शेल होंगे? यस सर, यस। और दोनों के बीच में कहीं पर भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे? यस नो, कहीं पर भी मैग्नीशियम से पोटेशियम जाए तो डी इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ रहे हैं क्या? नो सर, नो नो। इसका मतलब शील्डिंग वाला फैक्टर तो अपने आप डोमिनेट करेगा नहीं। शील्डिंग कब डोमिनेट करता है, जब तू इलेक्ट्रॉन डी में एफ में फिलअप करता है, यस और नो? नो बच्चे, जेड इफेक्टिव कब डोमिनेट करता है, जब तू इलेक्ट्रॉन डी और एफ में फिलअप करता है तब ना? यस सर, यस। क्या मैग्नीशियम से पोटेशियम के बीच में इलेक्ट्रॉन तूने कहीं पर भी डी या एफ में फिलअप किया क्या? नो सर। इसका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स ही होंगे। अच्छा ओके ओके सर,
तो हम बोल सकते हैं ना इन दोनों का जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा होगा. हाँ बोल सकते हैं. ओके सर. सर आयोनाइजेशन एनर्जी से पूछना. बोलो सर. यस सर, मैंने आपसे कल पूछा था ना हाउ इज इन आयोनाइजेशन एनर्जी वन मोल एटम सम लेते हैं ना, तो हाउ इज द एटम आइसोलेटेड देयर आर वन मोल एटम. सर ये मुझे समझा नहीं था. आइसोलेटेड का मतलब उसका किसी और एटम के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो खुद के एटम के साथ रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका किसी दूसरे एटम के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरे एटम के साथ फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ आयन बॉन्ड को वैलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए. ये मीनिंग मिलेगा. ठीक है. ओके दक्ष, मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ, अगर सपोज कोई भी आइसोलेटेड एटम्स का मतलब उसका किसी दूसरे एटम का नहीं होना चाहिए. अगर सोडियम है तो सोडियम के खुद के एटम्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सोडियम सीएल के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए. सीएल ब्रोमीन के साथ, सॉरी सोडियम सीएल के साथ या सोडियम ब्रोमीन के साथ या सोडियम आयोडीन के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए. उस अगर उसके साथ कंबाइन है तो वहां से मैं आइसोलेटेड नहीं बोलूंगा उसको. किसी भी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट कोऑर्डिनेट या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए वो. क्या ये क्लियर है सर? यस सर. तो मतलब सीएल वन मोल ऑफ सीएल एटम्स कैन एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है कि वो लोग कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म सीएल2. हां तो बच्चे सीएल2 कंबाइन होंगे तो सीएल2 कैसे बनाएगा यार, जरूरी थोड़ी है सीएल2 बनाएगा वो. कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहले तेरे को एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए तेरे को इनिशियली एनर्जी देना पड़ेगा. यस सर. अगर तो मतलब वो अगर कंडीशंस नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो सीएल एटम्स वन मोल एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके सर. सर एंड मिनिमम एनर्जी इज मींस दैट इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना ना, जस्ट आउट ऑफ दैट शेल. हाँ. ओके ओके सर. एंड जो हमने सारे जो एग्जांपल्स दिए थे एम गैस एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, वो सब हम वन मोल गैसेस ले रहे हैं ना? यस. ओके सर. एंड कैन यू प्लीज ओपन द आयोनाइजेशन वाला पीडीएफ. तो मुझे पूछ, मुझे याद है सब कुछ, बोल. अच्छा तो, सर आपने बोला था उसमें ना एक चीज लिखा है टू calculate ionization energy, we always remove electron from gaseous state of atom and not from solid or liquid state. Sir, what is gaseous state of atom mean? Atom in solid or atom in liquid is atom only, no? Definition kya hai ionization energy ka? Minimum energy required to remove outermost electron from one mole of isolated gaseous atom. One mole of gaseous isolated gas. One mole of isolated gaseous atoms लिखवा था मुझे. Yes sir. ध्यान से देख. तो atom gaseous form में होना चाहिए. अगर वो solid form में है तो पहले उसको gas में convert कर फिर electron हटा. तो आपका here इस statement का मतलब या meaning जो है solid state of sorry gaseous state of atom, उसका meaning है one mole of gaseous state of atom से ही calculate कर सकते, one mole of solid और liquid state of atom से नहीं कर सकते. नहीं. Okay sir. Okay. Sir and in metallic radius, you had written metallic radius is approximately equal to actual radius. Sir, why approximately not exactly? तेरे को थोड़ी पता है atom में deformation भी तो हो सकता है. अगर दो एटम अगर एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, हल्का वाला अट्रैक्शन होगा, कोलिजन होंगे, तो उसका डिफॉर्मेशन भी तो होगा. तो वी आर नॉट श्योर, ऐसा जरूरी है एग्जैक्टली टच कर रहे हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी. सर मेटल्स में तो बिल्कुल टच ही करते हैं ना, सॉलिड होता है ना. बट डिफॉर्मेशन वी अज्यूम द आइडियल केस ना, कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा एटम के अंदर, बट ऐसा हो सकता है ना डिफॉर्मेशन, अपने को थोड़ी पता. सर डिफॉर्मेशन कैसे मतलब? क्रिकेट की दो बॉल्स हैं, देयर टू बॉल्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है, रबड़ की जो बॉल्स हैं उनको दो पास में रखेगा, अगर तू साइड से उसको प्रेस करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा. ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, शेल्स तो हमने बनाए हुए.
हमने एज साइंटिस्ट वी हैव मेड द सेल्स नो. हाँ तो क्या चाहिए तुझे? तो सर असली में थोड़ा ना सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, इट इज ओनली एम्प्टी स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो डिफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो एक्चुअल में तेरे को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी नहीं पता, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता, रेडियस कहाँ से निकाल रहा है तू? अच्छा इसलिए हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वी कैन फाइंड. वैसे तेरे को अज्यूम करने के लिए मैं तो तेरे को ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा ना, शेल से और डिफॉर्मेशन से. यस और नो? अब तो एक्चुअलिटी पे आया था, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं पता तेरे को, तो सब गलत ही कर रहा है. ओके सर, ओके. तो मतलब हम बोल रहे हैं कि मेटालिक रेडियस इज द मोस्ट एक्यूरेट व्हाट वी कैन डू एंड दैट इज माय अप्रोक्सीमेशन होगा कि, क्योंकि एक्चुअल तो हमको वैसे भी नहीं पता ना. हाँ ओके सर. और कोवेलेंट रेडियस का जब आपने डायग्राम बनाया था ना, उसमें आपने दिखाया था एटम्स ओवरलैप सर, वो क्यों होता है वो समझा नहीं था मुझे. दैट वी विल डू इन द केमिकल बॉन्डिंग. अभी के लिए इतना ध्यान रखो, केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी, ओवरलैपिंग से मीनिंग क्या है. ठीक है? ओके सर. सर और ऐसा हो सकता है कि इज द लाइक द कोवेलेंट रेडियस बिकम्स इक्वल टू द एक्चुअल रेडियस फॉर लाइक शॉर्ट टाइम, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होए तो, लाइक बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होना फिक्स्ड है, ऊपर नीचे होता है ना. बट ओवरलैपिंग में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना भाई. अगर ओवरलैपिंग में उसको मैं बोल दूंगा टच ही हो रहा है, वो टच हो रहा है तो उसको मेटालिक रेडियस ही बोल दूंगा फिर. अच्छा तो टच होता ही नहीं कभी भी सर? टच होता ही नहीं ना कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी, इट इज ऑलवेज ओवरलैपिंग. हां हां नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. नहीं तो सर मतलब कोवेलेंट रेडियस जो होता है उसमें कभी भी ओवरलैप नहीं होता ना. मतलब कोवेलेंट रेडियस में कभी भी टच नहीं होता ना, हमेशा ओवरलैप ही करेगा. यस ओके. सर वैन डर वाल रेडियस जब आपने हमको समझाया था, आपने हमको गैसियस एटम लेके समझाया था ना, बट यू आर इन द बुकलेट इट्स रिटन दैट जो एटम होता है उसको सॉलिडिफाई करते हैं एंड देन वी फाइंड. मैंने कभी भी गैसियस एटम नहीं लिया था. ना ना ना, मैंने कब गैसियस लिया? सर आपने बोला था ना दो एच के एटम्स है एक जार में, उनको उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देंगे, दैट वे मैंने Cl2 का निकाला था वैन डर वाल. यस यस सर. नहीं मैं सर मैं एटम्स बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग मॉलिक्यूल. यार ये सेम स्टेटमेंट अगर तू ध्यान से देखेगा तो मैंने भी नोट्स में वही लिखा है, सॉलिडिफाइड करके निकाल दे. ध्यान से पढ़ो यार नोट्स, पढ़िए पैराग्राफ वैन डर वाल वाला. सर फ्रॉम दिस पार्ट ओनली आई एम आस्किंग, दिस पार्ट ओनली ओवर हियर, अगर आप सॉलिडिफाई करते हो तो फिर उनके बीच में सेपरेशन कैसे रहेगा? सॉलिड्स में तो बिल्कुल पास आ जाते हैं ना एटम्स. सॉलिड में बिल्कुल ऐसा थोड़ी एकदम एटम एकदम टच ही करते रहेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना यार. अगर टच करे तो इंटरेक्शन होगा, नोबल गैस फिर तो कंपाउंड भी फॉर्म कर लेते सॉलिडिफाइड में, अगर तो टच ही बोलता तो कुछ ना कुछ तो गैप प्रेजेंट रहेगा ना उसके बीच में. सर सपोज हम कुछ लेते ब्लॉक ऑफ सोडियम लेते हैं तो उसके बीच में जो सोडियम एटम्स होते हैं वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, उनके बीच में गैप कैसे रहेगा? अगर गैप रहेगा दैट वी अज्यूम दैट दे आर टाइटली पैक्ड, वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हाउ यू कैन से दैट दे आर टाइटली पैक्ड? बोलो. अगर ऊपर नीचे आएंगे तो फिर सर मेटालिक रेडियस हमको पता ही कैसे है कि अगर टच हो रहे या नहीं? एक चैप्टर मैंने मेटालिक रेडियस में एक चीज लिखी है, ध्यान से देखा तूने? उसमें मैंने लिखा है कि 12th सॉलिड स्टेट. यस सर, विल रीड इन 12. या तो ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो वो मैं तेरे को अभी तो नहीं बता सकता ना पूरा चैप्टर. अच्छा सर, तो लेकिन सपोज हम जब मेटालिक रेडियस सुन ध्यान से, जब मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वहां पे मेंशन करूंगा कि वी आर टेकिंग टू अजम्पशंस हियर, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द एटम्स, तब मैं बोल सकता हूँ कि एक दूसरे से साथ टच करेंगे और उसको एक्चुअल में स्फेरिकल जो भी है रिजिड जो भी वो अज्यूम करते हैं. एक्चुअल में वो रिजिड थोड़ी होता है यार एटम्स, अपने को पोजिशन ही नहीं पता इलेक्ट्रॉन की, तो रिजिड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दूंगा मैं?
यस सर यस सर तो नहीं तो मैं वांडरवॉल का अगर हम सेम चीज बोले अगर हम सॉलिड नाइट्रोजन लेंगे तो उनके बीच के एटम्स में डिस्टेंस रहेगा हाँ थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा ना बच्चे अच्छा एंड देन हम वही डिस्टेंस को लेके हाफ कर देंगे एंड हमको फिर वांडरवॉल रेडियस मिलेगा मतलब सॉरी हीलियम के एटम्स क्योंकि नोबल गैसेस के लिए लेते हैं या फिर अगर हम Cl2 के भी गैस ले उसको हम सॉलिडिफाई कर दे तो Cl2 के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी हाफ करके हम कर सकते हैं यस सर बट कैन वी फाइंड आउट डायरेक्टली इन गैसियस फॉर्म इज इट पॉसिबल लाइक अगर हम एक जार ऑफ हीलियम ले तो हीलियम एटम उसके बीच का हम आइडियल केस लेके कर सकते हैं को कंपैरिजन करना है तो एक को सॉलिड लेगा एक को गैस लेगा एक को लिक्विड लेगा फिर थोड़ी कंपेयर कर पाएगा किसी को कंपेयर करने के सबका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा ना अच्छा तो द स्टैंडर्ड थिंग इज सॉलिड ओनली हां मतलब तूने एक कंटेनर में तूने लिक्विड लिया है वो 5 लीटर लिया है और दूसरे कंटेनर में लिक्विड लिया है एक कंटेनर में तूने लिया उसको बोला सर 5 लीटर दूसरे कंटेनर को बोला सर 5 केजी वो सही नहीं होगा ना एक स्टैंडर्डाइजेशन तेरे को देना पड़ेगा ना कि जो भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम लीटर में लेना ऐसे थोड़ी एक को लीटर में ले लिया एक को केजी में ले लिया एक को मीटर में ले रहा है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है तेरे को सबको एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा तभी तो कंपेयर कर पाएगा ओके सर सर तो बेसिकली वी टेक एचई गैस उसको सॉलिडिफाई करते हैं एंड देन उनके बीच के एटम का रेडियस मतलब डिस्टेंस निकालते हैं एंड हम देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसको लेते हैं एंड देन हम उसको हाफ करके वांडरवॉल रेडियस मिलता है ओके सर ओके थैंक यू सर और किसी कुछ डाउट है जो भी लोग कनेक्टेड है ओके देन चलो बाय